हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर चंदन सिंह में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है स्टार्ट से फिनिश तक। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इस वीडियो में इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना और अपने फ्रेंड दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है स्टार्ट से फिनिश तक, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, प्री कंस्ट्रक्शन स्टेप्स और ड्यूरिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। जो प्री कंस्ट्रक्शन स्टेप होते हैं वो छह प्रकार के होते हैं। पहला होता है टू एक्वायर्ड लैंड और प्लॉट। सेकेंड होता है टू सीक टेक्निकल हेल्प। थर्ड होता है प्रिपेयर एस्टिमेशन एंड बजट। फोर्थ होता है परमिशन फ्रॉम अथॉरिटी। फिफ्थ होता है अप्रोच अ बिल्डर। सिक्स्थ होता है सुपर स्ट्रक्चर कोलअप। बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के पहले के जो प्रोसेस होते हैं उसको प्री कंस्ट्रक्शन स्टेप कहते हैं। नेक्स्ट होता है ड्यूरिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टेप। आपको हेडिंग से ही लग रहा होगा, ड्यूरिंग मतलब कंस्ट्रक्शन के साथ साथ, जो कंस्ट्रक्शन के अंदर होते हैं, कंस्ट्रक्शन के चालू होने के बाद जो होता है। तो पहला है साइट प्रिपरेशन और लेवलिंग वर्क। सेकेंड एक्सकेवेशन एंड PCC। थर्ड है फाउंडेशन। नेक्स्ट है प्लिंथ बीम और स्लैब। देन सुपर स्ट्रक्चर कॉलम। देन ब्रिक मशीनरी वर्क, द लिंटल ओवर, डोर विंडो गैप्स, फ्लोर स्लैब एंड रूफ स्ट्रक्चर, डोर विंडो फ्रेमिंग एंड फिक्सेशन, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, एक्सटीरियर फिनिशिंग, टेरेस एंड रूफ फिनिशिंग, इंटरनल फिनिशिंग एंड वुडवर्क एंड फिक्सचर फिटिंग। तो दोस्तों, ये दोनों स्टेप को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम पढ़ते हैं प्री कंस्ट्रक्शन स्टेप। तो फर्स्ट है टू एक्वायर लैंड और प्लॉट। तो ये सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि हमको पहला लैंड जो होता है प्लॉट, उसको हम लोगों को एक्वायर करना है, उसको अच्छी जगह ढूंढना है अपना पूरा, जहाँ पे हमको सुविधा मिल सके घर बनाने के लिए। तो ये सबसे पहला स्टेप है। सेकंड होता है टू सीक टेक्निकल हेल्प। इसमें होता है कि पहले जब हम लोग एक्वायर कर लेते लैंड को, उसके बाद हम लोग आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और बिल्डिंग का डिज़ाइन हम लोग क्रिएट करवाते हैं, प्रॉपर हम लोग प्लान बनवाते हैं। और जब प्लान बन जाता है तो हम उस ड्राइंग को लेके स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास जाते हैं, फिर वो हमको रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर ड्राइंग के बारे में बताता है। उसके बाद वहाँ से हमको पता चलता है कि फाउंडेशन कितना गहरा है, ग्रेवल का कौन सा साइज यूज़ करना है, पिलर का वेथ, ये सब हमको स्ट्रक्चर इंजीनियर से पता चलता है। नेक्स्ट है पी एस्टीमेट और बजट। जब हमारा आर्किटेक्ट से ड्राइंग बन जाएगा, फिर उसको स्ट्रक्चर ड्राइंग स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास भेज के हमको स्ट्रक्चर ड्राइंग बन जाएगा, उसके बाद उस ड्राइंग को हमें बिल्डिंग एस्टिमेटर के पास भेजना है, ट्रांसफ़र करना है। उससे हमको वहाँ का एस्टिमेट मिल जाएगा, बजट कितना होने वाला है, मटेरियल का क्वांटिटी, डिफरेंट आइटम वर्क का, ये सब हमको पता चल जाएगा। तो ये थर्ड प्रोसेस होता है। नेक्स्ट होता है परमिशन फ्रॉम अथॉरिटीज़। अथॉरिटी से जब हमारा सब एस्टिमेटर स्ट्रक्चर ड्राइंग का काम हो जाएगा, उसके बाद हमको अथॉरिटी से परमिशन लेना है कि हम वर्क स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे लैंड सर्वे, सोइल टेस्ट रिपोर्ट उस लैंड का डॉक्यूमेंट, आर्किटेक्ट एलिवेशन, सेक्शनल ड्राइंग्स, स्ट्रक्चर रिपोर्ट, और जो आर्किटेक्ट और जो इंजीनियर होता है उनके सर्टिफिकेट रिकॉर्ड। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, छः डॉक्यूमेंट जिसका हमको यूज़ पड़ता है अथॉरिटी में जमा करने के लिए, परमिशन लेने के लिए।
और जब परमिशन मिल जाएगा उसके बाद आता है अप्रोच अ बिल्डर। हमको बिल्डर को ढूंढना है, अप्रोच करना है। बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर दोनों एक हैं, तो हमको ये अप्रोच करना है और उसका पूरा रिकॉर्ड देखना है कि, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्डर से हमारा क्वालिटी उसका चेक करना है, उसका प्रीवियस रिपोर्ट चेक करना है कि उसने कैसा काम किया है पास्ट में, ये सब हमको चेक करना है और बिल्डर को अप्रोच करना है। तो सेकंड पार्ट है जो हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के बाद करते हैं, और जो पहले का था वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट के पहले होता है, वो सब प्लानिंग। तो सेकंड है, सेकंड का जो फर्स्ट है वो साइट प्रिपरेशन और लेवलिंग। तो जो कंस्ट्रक्शन होता है वो स्टार्ट होने के पहले वो एकदम साफ़ होना चाहिए, लेवल एकदम होना चाहिए, साफ सफाई पूरा रहना चाहिए। तो इसके बाद सेकंड है एक्सकेवेशन एंड पीसीसी। इसके बाद फाउंडेशन के लिए हमको एक्सकेवेशन करना होता है। अगर डीप सैलो फाउंडेशन है तो मिनिमम 1 मीटर, या डीप है तो वो ड्राइंग के हिसाब से हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं। इसमें हमें को एक्सकेवेशन मशीन की ज़रूरत पड़ती है एक्सकेवेशन करने के लिए, और एक्सकेवेशन करते हैं और पीसीसी। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है पूरा सपोर्ट होता है फाउंडेशन पे, और जो फाउंडेशन होता है वो लोअर पार्ट होता है बिल्डिंग का, जो बिल्डिंग का लोड होता है उसको सोइल में ट्रांसफ़र करता है। तो ये फाउंडेशन का मेन काम होता है। तो पीसीसी के बाद हम लोग फाउंडेशन करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बराबर चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप होता है प्लिंथ बीम एंड स्लैब। फाउंडेशन होने के बाद हमको ग्राउंड बीम, जिसको हम लोग प्लिंथ बीम कहते हैं, उसको हम लोगों को सटरिंग करना है, उसके बाद कंक्रीट करना है। और जो कंक्रीट हो जाएगा उसके बाद हमारा मेसनरी वर्क स्टार्ट हो जाएगा। और जो स्पेस होता है फाउंडेशन और प्लिंथ बीम के बीच में, उसको हम लोग को मिट्टी से फिल करना है। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप है सुपर स्ट्रक्चर में कॉलम। जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है वो दो प्रकार का होता है, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर। जो प्लिंथ लेवल के नीचे होता है वो सब स्ट्रक्चर, और जो प्लिंथ लेवल के ऊपर होता है वो सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर के जो मेन पार्ट होते हैं वो होते हैं कॉलम, बीम और स्लैब। तो हम लोगों को सुपर स्ट्रक्चर में कॉलम को सटरिंग करना है और उसका कंक्रीट करना है। तो ये फिफ्थ स्टेप होता है। सिक्स स्टेप होता है ब्रिक मेसनरी वर्क। जब हम लोग कॉलम कर लेंगे और बीम का सब कुछ हो जाएगा, फ्रेम वर्क कॉन्क्रीट, उसके बाद हम लोगों को पार्टीशन के लिए ब्रिक मेसनरी वर्क हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। डिफरेंट इसके मटेरियल होते हैं, हमको ड्राइंग के हिसाब से करना है। तो उसके बाद सेवन्थ स्टेप होता है लिंटल ओवर डोर विंडो गैप्स। लिंटल का यूज़ हम लोग डोर और जो विंडो होता है उसके ऊपर करते हैं, ताकि जो स्ट्रक्चर का जो लोड होता है वो डोर और विंडो पे नहीं है, क्योंकि डोर और विंडो इतने स्ट्रॉन्ग होते नहीं है कि वो लोड को एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए हम लोगों को एक स्मॉल बीम टाइप का एक लिंटल को हम लोगों को देना पड़ता है, जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फ्लोर स्लैब और रूफ स्ट्रक्चर। कॉलम और बीम होने के बाद हम लोग फ्लोर स्लैब जो होता है उसका हम लोग फॉर्म वर्क करके कंक्रीट करते हैं, और जो स्लैब रेनफोर्समेंट होता है ये एज पर ड्राइंग के हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट होता है डोर विंडो फ्रेमिंग एंड फिक्सेस। तो जब हमारा स्लैब हो जाएगा, बीम कॉलम हो जाएगा, उसके बाद हम लिंटल हो जाएगा, उसके बाद हम लोग डोर का जो फ्रेम होता है उसको लगा सकते हैं, और जो डोर विंडो होता है उसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं। ये नाइन्थ स्टेप होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। अब लोग को पता होगा जो इलेक्ट्रिकल और जो प्लम्बिंग होता है ये हम लोग स्लैब के अंदर और वॉल के अंदर लेते हैं, तो इसको हम लोगों को पेंट प्लास्टर वर्क के पहले हम लोगों को इसको ख़त्म करना पड़ता है। तो टेंथ है इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, ये MEP का पार्ट होता है। जब हमारा MEP का काम हो जाएगा उसके बाद हम लोग एक्सटीरियर फिनिशिंग का काम कर सकते हैं।
हम लोग वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं, हम लोग फिनिशिंग वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग एक्सटर्नल जो क्लेडिंग आता है हम लोग वो काम भी कर सकते हैं एलिवेशन को दिखाने के लिए। अच्छा, हम नेक्स्ट है 12th टेरेस एंड रूफ फिनिशिंग। हम लोग छत पे वाटर प्रूफिंग करते हैं लीकेज से बचने के लिए, और जनरली एक टाइल का यूज़ करते हैं स्लैब पे वेदरिंग इफेक्ट से बचने के लिए। उस स्लैब को कहते हैं टेराजो टाइलिंग। तो इसके बाद आता है इंटरनल फिनिशिंग। इंटरनल फिनिशिंग में होता है प्लास्टर का, प्लास्टर हम लोग करते हैं MEP का काम चालू ख़त्म होने के बाद, ताकि हमको स्मूथ फिनिशिंग मिल सके। और फ्लोरिंग पे हम लोग टाइल का काम करते हैं, और इसके बाद जो वॉल होता है उस पर हम लोग पेंटिंग या टेक्चर का काम हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट स्टेप होता है, लास्ट प्रोसेस होता है वुडवर्क एंड फिक्चर फिटिंग। इस जब हमारा सब काम कंप्लीट हो जाता है कंस्ट्रक्शन वर्क, इसके बाद हम लोग फर्नीचर वर्क को हम लोग स्टार्ट करते हैं साइड बाय साइड। इसके साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रिकल फिटिंग का जो स्विच बोर्ड होते हैं वो सब, प्लम्बिंग फिटिंग, ये सब हम लोग बाथरूम किचन एरिया में साथ साथ में हम लोग फिनिश करते हैं। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जनरली 14 टाइप के प्रोसेस होते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना और अपने फ्रेंड में शेयर करना, ताकि उनको